नमस्ते, दिस इज गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन दर्शिलिंग एकेडमी. ये वीडियो बन रहा है कर्क राशि के लिए. कर्क का 2020 साल कैसे जाने वाला है. अगर बच्चे कर्क राशि के हैं तो उनका एजुकेशन आप कैसे करवाएंगे, और करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी के लिए. तो यहाँ पर आया है कि बच्चे आपसे कुछ तो छुपा रहे हैं. आप उनका स्कूल जरूर विजिट कीजिए और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूरा जानकारी लीजिए, और कितना पोर्शन हुआ है, कितना स्टडीज बच्चों ने किया है, इन सब का आप जो भी मिस्ट्री है वो फाइंड आउट कीजिए. करियर में दिखाता है कि आप इल्यूजन में चल रहे हैं. आप कुछ जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ नया नौकरी मिलने वाला है या नौकरी है उसमें प्रमोशन मिलने वाला है, तो आपको नेगेटिव न्यूज मिलने के चांसेस हैं. अभी से आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं और क्या होने वाला है वो आप अभी से थोड़ा फाइंड आउट करें. फाइनेंस के लिए भी नेगेटिव कार्ड है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैसे वो डिले हो सकते हैं, और बाहर के लोग आकर इंटरफेयर कर सकते हैं. किसी थर्ड पर्सन को आप इन्वॉल्व नहीं करें मनी मैटर्स में, आपके आने वाले पैसे भी रुक सकते हैं. आपका रिलेशनशिप जो है वहां पे आपको बहुत लॉजिकल डिसीजन लेने हैं, थोड़ा भी इमोशनल नहीं होना है. और आपके हेल्थ के लिए आया है कि आप आपका लाइफ बैलेंस करें. आप जितना टाइम काम करते हैं उतना टाइम आराम जरूर करें, उतना टाइम एक्सरसाइज जरूर करें, प्रॉपर नींद लें. कर्क राशि वालों को ऑलमोस्ट मार्च महीने से 2019 से नींद का प्रॉब्लम हो सकता है या खराब सपने भी आ सकते हैं. तो ऐसे केसेस में आप एक क्रिस्टल नाइफ अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, या फिर एक पैकेट में सौंफ डालकर आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं. थोड़ा सा पानी भर के, एक ब्रॉड बाउल में वो पानी भर के पिलो के बाजू में रखना है या साइड टेबल पर रखना है, हेड के बाजू में हो, और सुबह उठकर वो पानी आपको प्लांट्स में डाल देना है. ऐसा करने से नेगेटिविटी पूरी चली जाती है. और आपको जितना हो सके आफ्टर सनसेट कोई भी इम्पोर्टेंट काम के बारे में नहीं सोचना है. सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप आपके काम के बारे में सोचें, आपके फाइनेंस के बारे में सोचें. बट इवनिंग्स यू शुड अवॉइड इवनिंग. जस्ट आप वॉक्स पे जाएं, मेडिटेशंस करें और थोड़ा योगा वगैरह करें ताकि आपको रात को नींद अच्छी आए. जितना आप बैलेंस करके अपनी लाइफ को चलेंगे उतना आपको हेल्थ इश्यू कम आने वाले हैं. आपके डाइट पे पूरा ध्यान रखें और स्ट्रेस नहीं लें. स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपके लिए योगा मेडिटेशन बहुत जरूरी है. सबसे अच्छा कार्ड आपके लिए आध्यात्मिक के लिए आया है कि जितना हो सके आप अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बिजी रखें. आप चैरिटी करें. आपके लिए बेस्ट चैरिटी है कि लेपर्स को खाना खिलाएं, ब्लाइंड लोगों को खाना खिलाएं, डॉग्स को डेली आप रात को फीड कर सकते हैं. इससे भी आपका जो नेगेटिव फैक्टर राहु का वो कम हो जाएगा. और रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिलेस आ सकता है, इसीलिए जल्दी दूसरे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करें. बहुत कम से कम लोगों को आपके मैरिज थिंग में आप इन्वॉल्व रखें. अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े हैं इसमें भी आप बाहर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करें, इससे आपके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं. हेल्थ के लिए आपका एक माइनर सर्जरी दिखाता है 2020 में. अगर लेडीज हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो अगस्त के बाद आपका सीजेरियन डिलीवरी होने का चांसेस है, और थोड़ा सा डिले होने का भी चांसेस है. आपके अगर डेट मिला हुआ है डिलीवरी का तो वहां भी थोड़ा डिले हो सकता है. और आप जितना हो सके अपने लाइफ को, हेल्थ के लिए अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडर्न वे में जिए, मॉडर्न बनाए अपने लाइफस्टाइल को. जैसे जिम ज्वाइन करना, अपने लाइफस्टाइल को जितना आप चेंज करेंगे उतना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा. सो सबसे जो नेगेटिव कार्ड है वो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए है कि बच्चे आपसे कुछ छुपा रहे हैं. मे बी बुक लेकर बैठते हैं और पढ़ते नहीं हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना है. खुद से उनके स्टडीज लेने हैं, एक ट्यूटर लगाकर देना है जो उनके टेस्ट वगैरह लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा रियलिटी का कि कितना पढ़ाई हुआ है. थैंक यू.